हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो आकाश 360 ब्लॉग। तो आज मैं एक आमतौर की तरह एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट लोकेशन पिकनिक स्पॉट पे जा रहा हूँ और वो आसाम के डिस्ट्रिक्ट तिनसुकिया में है। और मैं अभी जस्ट अपने होटल से निकल रहा हूँ उस लोकेशन के लिए। तो चलिए इस वीडियो पे बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी आ गया हूँ डिब्रूगढ़ सखुआ नेशनल पार्क में जा रहा हूँ। तो अभी एक मेरे को रिवर क्रॉस करना है और डिब्रू नदी इसको सब बोलते हैं और ये ब्रह्मपुत्र का ही एक पार्ट है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे मेरा बोट रेडी है। मैं उस बोट से अभी इस रिवर को क्रॉस करते हुए नेशनल पार्क के पास जाऊँगा और यहाँ से बोट वाले यहाँ चार्ज पे करना होगा। इससे पहले आपको यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर का या फॉरेस्ट गार्ड का एक फॉरेस्ट को जाने के लिए आपको एक पास बनाना पड़ता है। वो 100 रुपीज़ लगता है, वो फी है जो आपको फॉरेस्ट के अंदर आप ट्रैकिंग कर पाओगे उसके लिए वो फी देना पड़ेगा आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। आप उसको फी देने के बाद आप यहाँ पे आके यहाँ पे प्राइवेट टूर्स जो आपको आपको नेशनल पार्क के पास लेके जाएंगे। और यहाँ पे एक डॉल्फिन पॉइंट है और एक बर्ड पॉइंट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करने में देखते हैं क्या क्या मेरे को नज़र आता है। तो चलिए मैं बोट की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो बोट पे हैं और मैं बोट के अंदर आ चुका हूँ। अब बोट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कैबिन्स भी हैं और मैं ऊपर की तरफ और ये तो बाथरूम है, वॉशरूम आप देख सकते हो। अब मेरे को ऊपर की तरफ जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम की तरफ बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे एक वॉलपेपर लगाया गया है और यहाँ पे आप एक विंडो दी गई है जिस विंडो से आप यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर का जो या डिब्रू नदी है जो उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे फ्लो है और इस रिवर में बहुत करंट है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जब वो चलेगी तो यहाँ पे एक बहुत ही ठंडा हवा का अनुभव होगा आपको और बहुत ही अच्छा लोकेशन और बहुत एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। इस रूम एक छोटा सा रूम है और यहाँ विंडो से आप एक अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ। ऊपर की तरफ ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी से मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ। चैनल पे हाई कर दीजिए। फ्रेंड्स, अब हमारा बोट चालू हो चुका है। अब मैं यहाँ से बोट मूव करेगा और हम लोग बोट पे जाके एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में पहुंचने वाले हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। जो है एक नेशनल पार्क है जहां पे भी हम लोग ट्रैकिंग भी करेंगे फॉरेस्ट पे। तो बने रहिए मेरे वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बोट से जा रहा हूं नेशनल पार्क के पास। आप देख सकते हो और बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अब हम लोग का जो बोट है वो अभी टर्न ले रहा है, घूम रहा है।
आप देख सकते हो यहाँ से मेरा बोट का जो रफ्तार है वो स्पीड कम कर दिया गया है और बोट को राइट की तरफ घुमाया जा रहा है। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, नर्वस भी है, बट इट्स ओके। चुके हैं नेशनल पार्क के पास, बोट का रफ्तार और स्पीड बहुत कम हो चुका है, अब हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। अगर आप उस तरफ देख, मैं जूम करता हूं अपने कैमरा को, वहां पे बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे आपको। और रिवर का जो वाटर है बहुत ही क्लीन। अगर आप नेचुरल लवर हो और आपको प्रकृति बहुत पसंद है और आपको नेचर से बहुत प्यार है तो आप इस जगह ज़रूर आना। और ये तिनसुकिया डिब्रूगढ़ से 35 किलोमीटर दूर एक तिनसुकिया एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में ही ये एरिया आता है। अगर आप इस तरफ मेरे साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी देखो बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे। तो हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं और बोट की रफ्तार भी बहुत स्पीड हो चुका है, बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं रिवर के उस तरफ यानी कि नदी के उस पार। तो ये रहा है बोट के जो गाइड है, जो मेरे को रिवर के क्रॉस करके जो फॉरेस्ट की तरफ ले जाएंगे। और हम लोग का बोट का सफ़र था यहाँ पे एंड हो चुका है और हम लोग बोट से नदी के इस तरफ आ चुके हैं, दूसरी छोर की तरफ। आप देख सकते हो हम लोग उस पॉइंट में थे जहाँ पे आपको पेड़ दिख रहा होगा, अब हम लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग रिवर क्रॉस करने के बाद, तो ये जंगल स्टार्ट हो रहा है और ये फॉरेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है और बहुत ही घना जंगल। और हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने वाले हैं, लगभग 2 से 1 किलोमीटर करेंगे क्योंकि ज़्यादा अंदर जाने पे ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे कुछ गांव और लोकल लोग को भी हम लोग एज ए गाइड लेके जा रहे हैं। और यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। 1 किलोमीटर ट्रैक कर चुका हूँ और अभी तक जंगल में कुछ दिखने को मिला नहीं है। आप लगभग 2 किलोमीटर मेरे को और अंदर जाना होगा तभी मैं कोई जानवर एनिमल्स देख सकता हूँ। यहाँ से जंगल धीरे धीरे बहुत ही घना होते जा रहा है, आप देख सकते हो जंगल पूरा घना होते जा रहा है। आगे में एक बंदा जो गाइड है वो हम लोग को जंगल की तरफ अंदर लेके जा रहा है। उसके हैंड में जो देख रहे हैं वो वाटर बॉटल है, जंगल में जाओ तो पानी पीने के लिए ज़रूर रख लेना। मैन वर्सेस वाइल्ड जैसा फीलिंग आ रहा है। और फ्रेंड्स, मैं लगभग 2 किलोमीटर ट्रैक कर चुका हूँ जंगल में, तो मैं रेस्ट करूँगा। तो जंगल के बीच में है और एक बहुत पुराना पेड़, लगभग बहुत पुराना 100, 200, 300, 1000 साल भी हो सकता है, बट बहुत पुराना पेड़ है। तो चलिए इस जो गाइड है, जो लोकल है यहाँ के, उनसे बात करते हैं इस पेड़ के बारे में। ये आपको 4-5 बीघा में पूरा फैला हुआ है। अच्छा, नाम है इसका। अच्छा, वो मैंने बहुत कहाँ से इसका जड़ है हाँ इसका मालूम नहीं चला। और ये एक ही पेड़ है? पेड़ तो पूरा 5 बीघा में कैप्चर कर लिया है। अच्छा, इनका कहना है ये जो एक ही पेड़ है और ये इतना बड़ा और इतना विशाल है और इसका जड़ इतनी दूर तक फैल गया है, लगभग 5 एकड़ में ये पूरा ट्री, ये पूरा जंगल में इसका रूट फैला हुआ है। ये एक ऐसा पेड़ जो 5 एकड़ तक फैला हुआ है, ये सिंगल ट्री है जिसका 5 एकड़ तक फैला हुआ है ये।
सही भैया। और जंगल में क्या क्या देखने को मिलेगा जंगल में? अब हाथी बाघ वो सब आपको जो फेरोलो सब बोगा बोरा अच्छा देखने के लिए आपको रात को रहना पड़ेगा जंगल में। अच्छा जंगल के डिब्रू सैगर नेशनल पार्क में नाइट करना होगा पर सब आपको वहाँ पर फेस्टिवल का परमिशन लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कहना है कि रात के टाइम पे मिलेंगे क्योंकि एनिमल्स जो भी है बहुत अंदर जंगल के और अंदर चले गए हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गाइड लेके फॉरेस्ट रेंजर को लेके आना होगा इस जंगल में, तब मेरे को कुछ एनिमल्स देखने को शायद मिल जाए। तो थोड़ा सा अपसेट क्योंकि ज़्यादा जानवर मेरे को देखने को मिला नहीं, यानी कुछ भी नहीं मिला, बट एक ट्री मिला बनियन ट्री जो बोल रहे हैं, उसका रूट बहुत दूर तक फैला हुआ है। चलिए मैं अभी डॉल्फिन पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, अगेन बोट पे जाऊँगा फिर डॉल्फिन पॉइंट, शायद वहाँ कुछ देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स बहुत बुरा लगा मेरे को, और आगे जाने का मन था बट आज संडे है और आज फॉरेस्ट के कोई अधिकारी या कोई फॉरेस्ट रेंजर ना होने के कारण हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जा पाए, जिसके कारण से हम लोग को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। बट एक अनोखा पेड़ ज़रूर देखने को मिला जो उसका एक ही रूट है और एक ही पेड़ है जो 5 acres तक फैला हुआ था पूरे जंगल में, तो भी एक अनोखा पेड़ था। तो इस ब्लॉग में ज़्यादा चीज़ आपको दिखा ना पाएँ इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत ही अच्छे चीज़ या अच्छे पिकनिक स्पॉट पर ले जाऊँ। फिर भी आप कभी इस जगह पर आएँ तो एक अच्छा सा नदी के किनारे एक आप एक पिकनिक स्पॉट पर आके इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एक डॉल्फिन पॉइंट, डॉल्फिन फिश जो होती है यहाँ पे एक डॉल्फिन पॉइंट है, अगर मे बी अगर मेरे को देखने मिला तो मैं इस वीडियो पे कैप्चर करूँगा। फ्रेंड्स मैं अभी डॉल्फिन पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ और अभी मैं आपको डॉल्फिन पॉइंट के पास ले जाके मैं डॉल्फिन फिश जो है वो दिखाने का कोशिश करूँगा। अभी मैं कुछ आपको बर्ड्स दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। आप देख सकते हो रिवर से बहुत जोर का करंट, यानी कि पानी का जो करंट है पानी में बहुत करंट आ चुका है और बहुत जोर का तूफान और बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। अचानक हम लोग फंस चुके हैं इस तूफान में, एक छोटे से बीच में आप बोल सकते हो एक छोटा सा जगह था वहाँ पे हम लोग अभी आके रुके हुए हैं, बहुत डर लग रहा है। मेरा आखिरी ब्लॉग हो या आखिरी वीडियो हो, तो फ्रेंड्स अभी आप मेरा जो बोट है वो अभी एक छोटे से ग्राउंड
जैसा जो एरिया है यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जोर का तूफान आया हुआ है और रिवर के बीच में जाना खतरा है। इसीलिए अभी हम लोग रिवर के साइड में एक छोटा सा टापू जैसा है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अभी थोड़ी देर के जैसे ही यहाँ से जो तूफान है वो कम होगा उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हम लोग अपने सेफ जोन पे पहुँच के ये मेरा ब्लॉग एंड हो जाएगा। इस ब्लॉग में तो बहुत मज़ा आया, थोड़ा सा डर भी था, थोड़ा सा एडवेंचर्स भी था और थोड़ा सा मीन्स एक डर का अनुभव हुआ बिकॉज एक जब तूफान बहुत जोरों का था तो सच में बहुत डर लग रहा था कि हम लोग के साथ क्या होगा। ये रहा हम लोग का शिप, वहाँ मेरे एक फ्रेंड है आप देख सकते हो, उसके सर पे बाल नहीं है बट बहुत अच्छा दिखता है वो, हाय कर दो। बैक टू द पवेलियन, वापस हम लोग पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स हम लोग वापस पहुंच चुके हैं, उम्मीद करता हूं ये ब्लॉग पसंद आया होगा आपको। थोड़ा सा एडवेंचर्स और थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि बीच में हम लोग तूफान में फंस चुके थे। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए मैं नए नए वीडियो लाते रहता हूँ और नए वीडियो में बहुत रिक्स भी लेना पड़ता है कभी कभी, जो आज मैंने रिक्स लिया था। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। Whoa.